हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। भिवानी में बुधवार को आदर्श महिला महाविद्यालय में नेशनल ओपन महिला बास्केटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस आयोजन में सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। सांसद सुनीता दुग्गल ने इस मौके पर कहा कि केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी खेल नीति में गुणात्मक और उच्च स्तरीय बदलाव किए हैं, जिसका सीधा लाभ प्रदेश की खेल प्रतिभा को मिल रहा है। सुनीता दुग्गल ने बेटियों से आह्वान करते हुए कहा कि आप अपने आत्मबल को पहचाने और खुद को अंदर से मजबूत कर अपनी मेहनत और परिवार के साथ समाज और राष्ट्र को भी बदल सकती हैं। सुनीता दुग्गल ने कहा कि बेटियों का संस्कारी होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके संस्कार से ही समाज संस्कारित होगा। यहाँ पर नेशनल लेवल की बास्केटबॉल चैंपियनशिप है, जिसमें हमारी बेटियां जो हैं वो 11 स्थानों से 11 राज्यों से आई हुई हैं और वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, और सभी बेटियों के साथ हमारा परिचय हुआ। और इस कॉलेज ने भी 50 साल पूरे कर लिए हैं और भिवानी जैसे जिले में 50 साल जो है वहाँ पर कन्या महाविद्यालय है, तो मैं बहुत बहुत इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवादी हूँ यहाँ के जो एक्स चीफ मिनिस्टर बनारसीदास गुप्ता जी थे उनकी, कि उन्होंने 50 वर्ष पहले बेटियों के बारे में सोचा, महिलाओं के बारे में सोचा और इसकी स्थापना की।